जय हिंद। बिहार शिशु कल्याण अकेडमी से मैं अभय सोलनी और आप तमाम साथियों से स्वागत करते हैं। जैसे कि अभी आज दूसरा दिन है, दरोगा जो 1175 है, लमसम 76 समथिंग जो अभ्यर्थी हैं उनमें आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन भी लड़का हमारा ये फर्स्ट शिफ्ट में था, यानी कि 7 बजे से 7 और ये 6:30 में गए थे, 6:30 में गए और ये रनिंग क्वालिफाई करके आए। ये डरते थे वहाँ कि नहीं हमसे हाई जंप नहीं होगा भैया, कैसे होगा, तो हम बताते 4 फीट मारते थे लेकिन कभी कभी सट जाता था। आज ये निकाल के आए हैं, इन्हीं से जानते हैं इनका वहाँ जैसे हम लोग उतना मेहनत कराते हैं उसके अनुकूल यहाँ कैसा रहा, यहाँ का मेहनत मतलब यहाँ का जो मेन जो ग्राउंड है वो कैसा रहा, कैसे रनिंग किए, कैसे हाई जंप किए, क्या डॉक्यूमेंट का इशू है क्या नहीं, ये जानते हैं इन्हीं से। सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने अपना मेहनत साकार किया। आपको जैसे रनिंग में कितने बजे आप अंदर गए? 6:45 रनिंग कब किए वहाँ जब गए तो कितना लोग था आपके बैच में? मेरे बैच में कम से कम 25 लोग थे। 25 में कितना लोग क्वालिफाई किए? 25 में से 15 लड़का क्वालिफाई। अच्छा, 10 लड़का छंटा, तो उसके बाद आपको बैठाया होगा, तो उसमें कितना समय दिया जा रहा है जब रनिंग करते हैं उसके बाद हाई जंप पे ले जाने? रनिंग के बाद लगभग 15-20 मिनट टाइम मिलता है हाई जंप के लिए। अच्छा, 15-20 मिनट में बॉडी मतलब रिलैक्स हो जाए थोड़ा सा, और उसके पैरों में आपको कोई छाला वाला नहीं है? छाला नहीं। और आप जैसे वहाँ हाई जंप के बारे में करते थे और लॉन्ग जंप में, उसमें क्या इशू है? हाई जंप वहाँ 3:10 होता है, 3:10 था यहाँ। आपको जैसे हम लोग वहाँ हाई जंप 4 फीट कराते हैं तो यहाँ 3:10 लग रहा है जी। और लॉन्ग जंप कितना? लॉन्ग जंप 12 फीट से थोड़ा कम ही लग रहा है। अच्छा, मतलब सब कितना ये हाई जंप क्वालिफाई की है? हाई जंप दूसरा वाला पर गया। और लॉन्ग जंप? लॉन्ग जंप फर्स्ट। और हाइट वगैरह का क्या वहाँ इसे चल रहा है? हाइट में कुछ हाइट में कोई प्रॉब्लम? चेस्ट पे हमको चेस्ट जैसे हम मेजरमेंट किए थे उसमें था जी। यहाँ जो फिजिकल सेंटर में जिस तरह से मापते गए वही सेम। अच्छा, वैसे हम लोग का फिजिकल कराने का जरिया कैसा रहा? जैसे यहाँ हम लोग का संस्था से जितना लोग है वो लोग ये जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ की अपेक्षा और वहाँ दोनों में मेहनत कौन अधिक है, हम लोग का या ये? ग्राउंड में जितना मेहनत कराया जाता है उसके अपेक्षा बहुत कम ही लगता है। ग्राउंड में बहुत ज़्यादा मेहनत करा दिया जाता है और उसके अपेक्षा अगर यहाँ पर आए तो बहुत कम ही लगता है। आपका टाइम कितना लगा था रनिंग में? 6:15 लगा सर। और एथी में टाइम कितना लगता था ट्रायल में? ट्रायल में भी वही सेम 6:15। जैसे आप लोग टाइगर जंप, और टाइगर में था क्या कुछ? टाइगर अलाव है सर, टाइगर भी मार रहे हैं। आप क्या मारे? सीजर मारे सर। चलिए, जैसे कि ये जितने भी अभ्यर्थी हैं अगर जिनसे सीजर नहीं हो रहा है तो टाइगर का भी अपना प्रयास करते रहिए, और ऐसा ना हो कि आप वहाँ टाइगर या कुछ भी ये नहीं सोचिए कि हमको सीजर ही मारना है। आपको टाइगर अगर सीख रहे हैं तो टाइगर सीख लिए, आपके पास 2 दिन टाइगर के लिए 1 घंटा काफ़ी है। आप सही से अगर पैर रख रहे हैं, सही से जंप कर रहे हैं तो टाइगर 1 घंटा काफ़ी है। वहाँ जाने के बाद ऐसे आपको कोई चीज़ ना होना चाहिए, क्योंकि बहुत आशा उम्मीद आपके घर परिवार के लोग लगाए हैं, उस अनुकूल आप यहाँ मेहनत कीजिए। और एक दिन में आपको कुछ क्यों ना पैर क्यों नहीं फट जाए, आपको निकालना है तो निकालना है, आपको उस लेवल से चलना है। कोई ऐसा नहीं, दौड़ के बाद आपको पूरी तरह रिलैक्स मिलेगा और रिलैक्स के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। आप रनिंग और क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये बिहार फिट कल्याण अकेडमी यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इसे लाइक सब्सक्राइब दोनों करें। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।